आप सभी का हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। निरंतर उत्तर लेखन करने को आपको बताया गया था और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब निरंतर उत्तर लेखन कर भी रहे होंगे। आज फिर हम जो आज का हमारा प्रश्न है, एक बार फिर से हम किसानों से संदर्भित प्रश्न किए हैं। इससे पहले भी हमने किसानों से संदर्भित प्रश्न पूछा था और आज भी उसी से संदर्भित प्रश्न का उत्तर लेखन करने जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जैसा कि आप देखते हैं इसको समसामयिक माना जाए, क्योंकि जहां कोविड-19 की वजह से एक समस्या किसानों की बड़ी थी, वहीं यदि देखा जाए तो उत्तर भारत में इस समय मौजूदा समय में बारिश और आंधी तूफान की वजह से किसानों की फसलें जो है खेतों में खड़े खड़े बेकार हो जा रही हैं, नष्ट हो जा रही हैं। क्यों नष्ट हो जा रही हैं? क्योंकि कोविड-19 की वजह से उनको परिवहन सुविधाओं का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, परिवहन सुविधाओं का अभाव है। इसके साथ साथ जो सरकारी मशीनरी है जो फसल को खरीद करती है उसको भी अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यह किसानों की समस्याएं को बढ़ा देती है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, जो आज का प्रश्न है, लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है। खाद्य प्रकरण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार मदद करे, मतलब पूछ रहा है कि लागत प्रभावी प्रक्रमण इकाई, प्रक्रमण इकाई का मतलब होता है प्रोसेसिंग यूनिट। तो लागत प्रभावी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट की अल्प स्वीकार्यता, मतलब इसको ज्यादातर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बहुत कम ही जगह पे देखने को मिलता है, बहुत कम ही लोग मानते हैं कि ये लाभप्रद है। इसके बारे में आपको बताना है कि अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है। दूसरा इसी में क्या पूछा गया है कि खाद्य प्रक्रमण इकाई जो है गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार से मदद कर सकती है, मतलब यदि प्रक्रमण इकाई को स्थापित किया जाता है, प्रोसेसिंग इकाई को किसी क्षेत्र विशेष में स्थापित किया जाता है, तो किस प्रकार से वह किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊपर उठा सकती है। ठीक है, प्रश्न का दूसरा भाग यह है। प्रश्न का पहला भाग पूछ रहा है कि जो छोटी प्रक्रमण इकाई होती है, छोटी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उनकी स्वीकार्यता देश में या वैश्विक स्तर पर इतनी कम क्यों है। पहला कारण बताना है कि छोटी प्रोसेसिंग यूनिट क्यों ज्यादातर पसंद नहीं की जाती है, क्यों ज्यादातर लोगों द्वारा शुरुआत नहीं की जाती है, और यदि शुरुआत हो, अच्छे तरीके से शुरुआत हो, तो यह किस प्रकार से किसानों की आय को एक प्रकार से कह लीजिए दोगुना करने में मदद कर देगी, जो भारत सरकार का भी लक्ष्य है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में यदि आप देख रहे होंगे तो स्पष्ट रूप से प्रश्न दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से दो भागों में? पहले में बताना है कि जो प्रक्रमण इकाई है इनकी अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है। तो आपको जब भी कोई प्रश्न पढ़े तो आपको क्या करना चाहिए, जो कीवर्ड हो उनको अंडरलाइन करना चाहिए। तो जैसे आपने पढ़ा लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता, मतलब अल्प स्वीकार्यता कीवर्ड है, ठीक है, के क्या कारण है। खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार मदद कर सकती है। अब हमने कीवर्ड अंडरलाइन कर लिया, अब फिर हम दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं और कीवर्ड को ध्यान देते हैं कि लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई, मतलब प्रक्रमण इकाई की बात कर रहा है एग्जामिनर प्रश्न में और पूछ रहा है कि इसके अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है। कीवर्ड हमने अंडरलाइन किया है। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ा देती है। तो प्लीज कम से कम 2 से 3 बार प्रश्नों को पढ़ा करें, आधा आपका उत्तर क्या लिखना है, ठीक है, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा जब आप एक बार प्रश्न अपने दिमाग में बना लेंगे। जब आप शुरुआत की, क्योंकि अभी आप प्रारंभ कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है आपको उत्तर लेखन मेरे साथ करना है, तो कम से कम 3 महीने का समय देना होगा। और इन 3 महीनों में सबसे पहले प्रारंभ के दो महीनों में आपको क्या करना है, बिना समय का ध्यान रखे हुए, बिना ये आपको जानकारी की प्रक्रमण इकाई नहीं पता है, गूगल सर्च करिए, पता करिए, कॉपी से पढ़िए, किताब से पढ़िए, कहीं से भी रट्टा मारिए, नकल करिए, लेकिन लिखिए, ठीक है। मेरा कहने का प्रयास है कि लिखिए, कैसे भी रट्टा मार के ही लिखिए, लेकिन चीजों को लिखने का प्रयास करें। 2 महीने इसी तरह से करिए, 2 महीने जब ये चीजें कंटिन्यू कर देंगे तो 3रे महीने खुद भी आप बोलेंगे कि हमारे अंदर बहुत ही सुधार देखने को मिला है।
क्यों मिला है? क्योंकि जो आप रट्टा मारते हैं, कॉपी करते हैं, मैंने बताया है कि सप्ताह के 5 दिन रट्टा मारिए, कॉपी करिए, आंसर राइटिंग करिए, लेकिन सप्ताह के 2 दिन जो 5 दिनों में पढ़ा है उन टॉपिक को दोबारा पढ़िए। कुछ उससे पीटी ओरिएंटेड कुछ है तो उसको नोट करिए, मेंस ओरिएंटेड कुछ है तो उसको नोट करिए, एक नोट्स बनाइए प्रॉपर। और जब इतना करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपका उत्तर लेखन बेहतर होगा। जिनको नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज हमारी एक पहली वीडियो है जिसमें लिखा होगा मेंस आंसर राइटिंग 01, तो उसको जरूर देखिएगा, ज्यादातर चीजें आपकी वहां पे स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए तो आज हम अपने उत्तर का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले किसानों की समस्याओं को बताएंगे कि प्रक्रमण इकाई की आवश्यकता क्यों है, प्रक्रमण इकाई की बात, प्रक्रमण इकाई प्रोसेसिंग यूनिट की बात क्यों हो रही है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे भारत देश में जो भी खाद्यान्न उत्पादन होता है, यहाँ पे खाद्यान्न की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम बात करेंगे फल की, सब्जियों के बारे में बात करेंगे, तो दलहन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मुख्य प्रश्न जो ये हमारा है, मुख्य प्रश्न ये ज्यादातर केंद्रित है किस पे, प्रोसेसिंग यूनिट की बात आ रही है। तो जिनको भी हम जिन यदि हम अनाजों को प्रोसेस करके कुछ नया उत्पाद बना सकते हैं तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो भारत में यदि देखा जाए, भारत में सबसे पहले आप कहां से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से, आप प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। आपको हेडिंग नहीं डालनी है प्रस्तावना, ये याद रखिएगा, आपको अपने उत्तर में प्रस्तावना की हेडिंग नहीं डाली, सिर्फ भूमिका बनाते हैं हम और आप कि किस तरह से उत्तर को लिखना है, उत्तर में क्या लिखना है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो भारत की यदि बात करें तो देश में जो खाद्यान्न हमारा उत्पादन होता है, जो दलहन का उत्पादन होता है, उसका लगभग 15 से 20%, भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है, जो दलहन उत्पादन है, ये उत्पादन के बाद लगभग इसका 15 से 20% नष्ट हो जाता है, विभिन्न गतिविधियों के कारण नष्ट हो जाता है। कभी हो सकता है परिवहन सुविधा ना उपलब्ध हो पाए, इसकी वजह से नष्ट हो, कभी स्टोरेज सुविधा ना हो पाए, उसकी वजह से नष्ट हो सकता है मौसमी गतिविधियों के कारण नष्ट हो जाए। तो एक एवरेज है कि 15 से 20% जो हम उत्पादन करते हैं खाद्यान्न और दलहन का, उसका 15 से 20% जो है नष्ट हो जाता है। और जब सब्जियों की बात किया जाए, क्योंकि सब्जी और फल की जब बात आती है आपको पता है कि जल्दी खराब होने वाली जींस हैं सब्जी फल, तो इसका लगभग 20 से 30% नष्ट हो जाता है। इतना 20 से 30%। तो हमारे देश में अभी तक मौजूदा समय में खाद्यान्न उत्पादन और दलहन उत्पादन का लगभग 15 से 20% और फल और सब्जियों का लगभग 20 से 30% उत्पादन होने के बाद नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है, अब आपके प्रश्न में वही चीजें पूछी गई हैं, उसी पर अब हम आ रहे हैं, ठीक है। नष्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ देखा जाए तो परिवहन सुविधाओं का अभाव है, इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, इसको अपने आपको ज्यादातर इसको एक लाइन में आपने लिख दिया, ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको फोकस कहां पे करना है, प्रोसेसिंग यूनिट पर, ठीक है। क्योंकि भारत में यदि देखा जाए तो हो सकता है एक जिले में कोई एक प्रोसेसिंग यूनिट हो, क्षेत्रीय स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती है। और प्रोसेसिंग यूनिट ना होने के कारण जब किसी भी फल या सब्जी को या किसी खाद्यान्न को यदि हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, रखने की जगह नहीं है, शीत गृह नहीं है, जिसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, शीत गृह नहीं है, इन सब के अभाव में जब हम घर में ही रखते हैं उसको और सही तरह से उसका समुचित अच्छे से देखभाल नहीं होता है उसका, तो इसमें क्या हो जाता है कि 15 से 20% अनाज हमारे और 20 से 30% जो फल और सब्जियां हैं ये नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनके भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी शीत गृहों का अभाव है, प्रोसेसिंग यूनिटों का अभाव है, ये सारी चीजें आप प्रस्तावना में लिख दिए, ठीक है। अब आपकी प्रस्तावना हो गई कंप्लीट कि क्यों भारत में परिक्रमण इकाइयों की बात की जा रही है, क्यों भारत में परिक्रमण इकाई जो है, प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उनकी बात क्यों की जा रही है, क्यों भारत में आ सकता है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में आ सकता है, तो उसका रीजन ये है कि हमारे जो खाद्यान्न है उसका लगभग लगभग 1/3 भाग नष्ट हो जाता है, 1/3 नहीं कह सकते, तो 1/4 भाग, 1/4 भाग विभिन्न गतिविधियों के दौरान नष्ट हो जाता है उत्पादन होने के बाद। यदि हमारे ग्राम सभा स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर या जिले स्तर पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट हो और ग्राम स्तर पर शीत गृह बनाए गए हों, तो हम अपने फसलों का स्टोर कर सकते हैं, जिससे फसल की जो नुकसान होता है, जो किसानों को नुकसान होता है, उसको हम
कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे जब प्रस्तावना आपने लिख दिया तो अब मुख्य बॉडी में आ गए। अब मुख्य बॉडी में जो हमारा मुख्य भाग है उत्तर का, इसको दो भागों में डिवाइड करना है। पहले में बताना है कि प्रक्रमण जो इकाई है, प्रोसेसिंग इकाई जो है, छोटी प्रोसेसिंग जो इकाइयां हैं, इनकी अल्प स्वीकार्यता क्यों है, उन कारणों की चर्चा करनी है। और अपने उत्तर के दूसरे भाग में आपको बताना है कि जो छोटी प्रक्रमण इकाइयां हैं, यदि इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको स्थापित किया जाता है, तो किस तरह से ये किसानों के लिए लाभप्रद होंगी, किस तरह से किसानों को बेहतर जीवन यापन करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन मुहैया करा सकती हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है आधे आधे भाग में। प्रस्तावना आपने लिख दिया, अब आधे भाग में आप लिखोगे कि क्यों अल्प स्वीकार्यता है, और अगले आधे भाग में लिखोगे आप कि इससे किसानों को क्या लाभ होगा। अब यदि हम बात करें कि स्वीकार्यता अल्प क्यों है, प्रोसेसिंग जो इकाइयां हैं उनकी अल्प स्वीकार्यता क्यों है, तो आप जानेंगे कि कोई भी प्रोसेसिंग इकाई होती है, भारत में आप जानते हैं ज्यादातर सीमांत किसान हैं, और कोई भी जो प्रोसेसिंग इकाई है, यदि बड़ा कोई कृषक होगा तो वह भी कोई प्रोसेसिंग इकाई में जो लागत आती है उसको अकेले वहन करने में सक्षम नहीं होगा। और तो जहां पे सीमांत और मध्यम किसान ज्यादा हैं, ये वर्ग सीमांत और मध्यम किसानों का वर्ग ज्यादा है, तो ऐसे में सीमांत और मध्यम किसानों के पास इतना धन नहीं होता है, उनके पास आर्थिक समस्या होती है अपनी, तो ऐसे में ये लागत जो है प्रोसेसिंग इकाइयों का, जो प्रक्रमण इकाइयां हैं उनकी जो लागत है उसको किसान वहन नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है, भारतीय किसानों द्वारा इसको किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इसकी अल्प स्वीकार्यता है। एक चीज ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, यदि मान लीजिए किसी वजह से आपने बैंक से आर्थिक सहायता लेके किसी भी तरह से किसान ने प्रोसेसिंग इकाई को स्थापित किया, प्रक्रमण इकाई को स्थापित किया, तो उस वो किसान, वह व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि उसमें आधुनिक तकनीकों को लाके लगाए, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से प्रसंस्करण इकाइयों को चलाए, तो किसान क्या करते हैं, यदि कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ये इकाई स्थापित भी है तो किसान क्या करते हैं, प्रसंस्करण जो प्रक्रिया है, जो फूड प्रोसेसिंग का हमारा प्रक्रिया है, जो भी चीज हम प्रसंस्कृत करते हैं उसमें क्या करते हैं, पुरानी तकनीकें, जो हमारी प्राचीन तकनीकें हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं, और प्राचीन तकनीकों के उपयोग से क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, लगभग 10-15% नुकसान यहाँ पे हो जाता है। किसकी वजह से, सिर्फ तकनीक हमारी पुरानी है, टेक्नोलॉजी ओल्ड है, इसकी वजह से 10-15% का नुकसान हमें यहीं पर हो जाता है। तो किसान, दूसरी चीज क्या है कि आधुनिक तकनीकों को जो भार है उसको वहन करने में, जो आर्थिक भार है आधुनिक तकनीकों का उसको वहन करने में किसान वर्तमान समय में, भारत का जो सीमांत किसान है, मध्यम किसान है, वो सक्षम नहीं है। इसकी वजह से यदि कहीं इकाई लग भी जाती है तो भी लोग उसको अल्प स्वीकार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि 10-15% ऐसे ही इनका नुकसान हो जाता है, तो ज्यादा मुनाफा किसानों को नहीं होता है। दूसरा क्या है कि कोल्ड चेन लिंकेज, मान लीजिए कोई चीज हम प्रोसेस कर भी दिए, कोई नया उत्पाद बना भी दिए, मान लीजिए आपने किसी तरह से इकाई स्थापित कर लिया, पुरानी तकनीक से ही आप उत्पाद बना रहे हैं, और मान लीजिए आपने उत्पाद बनाया और कोल्ड स्टोरेज नहीं है आपके क्षेत्र में, आपके जिले में कोल्ड स्टोरेज का अभाव है, नहीं है, तो उस उत्पाद को तुरंत तो बाजार मिल नहीं जाएगा, उसको कुछ दिन के लिए स्टोर करना होगा, और जब स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, स्टोरेज क्षमता ही नहीं है, कोल्ड स्टोरेज क्षमता ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि निश्चित रूप से जो हम प्रोसेस किए हैं वो भी हमारा नुकसान जाएगा। अगर वो नुकसान जाता है तो निश्चित रूप से ये इकाइयां घाटे में जाती हैं। तो ऐसे में क्या है, उत्पादकों को इसमें कोई फायदा नहीं दिखता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का अभाव है। तो तीन कारण अभी तक हमने देखा, क्या, क्योंकि एक लागत नहीं वहन कर सकते किसान, प्रोसेसिंग इकाइयों का लागत नहीं वहन कर सकते। दूसरा क्या हमने देखा कि जो यदि मान लीजिए किसी तरह से बनाया भी गया तो उसमें जो तकनीकें प्रयोग की जा रही हैं वो पुरातन तकनीकें प्रयोग की जा रही हैं, और पुरातन तकनीकों के प्रयोग से 10-15% फसल ऐसे ही, वो जो उत्पाद है ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, नुकसान होता है। तीसरा क्या है कि कोल्ड चेन लिंकेज नहीं है, जिसके कारण स्टोर नहीं कर सकते, जो उत्पाद बनाते हैं यदि तुरंत बाजार नहीं मिला उसके लिए, तो एक समस्या ये भी है। चौथी क्या है कि जो छोटी प्रक्रमण इकाई है, छोटी जो प्रक्रमण इकाइयां होती हैं,
ग्रामीण क्षेत्र पे, ग्राम सभा स्तर पे यदि कहीं पे हैं, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि जो उत्पाद, जो भी उत्पाद वो इकाइयां बनाती हैं, जैसे कोई भी इकाई है, यदि वो कोई उत्पाद बनाती है तो ऐसा उत्पाद नहीं होता है कि वो वर्ष भर बनता रहे। वो एक सीमित समय वाले उत्पाद होते हैं, फसलों से जुड़े हुए, कि 2 महीने कारखाने चलते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट चलती है, 3 महीने चलती है, इसके बाद बंद हो जाती है। इसलिए भी अल्प स्वीकारता है। यदि कोई इतना लागत लगा के एक प्रोसेसिंग यूनिट बना भी देता है, तो यदि वो 3 से 4 महीने ही चलने हैं, 4 ही महीने चलने हैं, 3 से 4 महीने ही चलने हैं, तो वहां पे समस्या क्या है कि बाकी दिनों में उस भूमि पर यदि वो बनाया गया है, तो उस भूमि का लागत मूल्य जो होता है, यदि मान लीजिए वो नहीं होता, तो कुछ तो लागत मूल्य निकलता कृषि के द्वारा, वो अभी निकलना मुश्किल हो जाता है। वर्ष भर उत्पाद नहीं होते हैं, तो एक समस्या यह है। ठीक है, फिर चौथी के बाद पांचवी समस्या क्या है कि जो छोटी परिक्रमण इकाई के उत्पाद होते हैं, आजकल भारतीय बाजारों में आप देख लीजिए, लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, जिनका बड़ा नाम है लोग उन्हीं के उत्पादों को पसंद करते हैं। ऐसे में क्या है कि जो छोटी परिक्रमण इकाइयों के उत्पाद होते हैं, ना इनको ग्राहक लेना पसंद करते हैं और ना दुकानदार रखना पसंद करते हैं, तो एक समस्या ये भी है कि इनको बड़ा बाजार नहीं मिल पाता है। छोटी परिक्रमण इकाइयों के उत्पादों को बड़ा बाजार ना मिल पाना भी अस्वीकार्यता के एक कारण ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, लोकप्रिय नहीं है। क्यों नहीं लोकप्रिय है? जब बाजार में बिकेगा नहीं, ठीक है, ब्रांड एडवर्टाइज तो किसान कर नहीं सकता, प्रचार प्रसार तो उसका कर नहीं सकता जिस तरह से बड़ी कंपनियां करती हैं, तो लोकप्रियता जो है इनकी नहीं होती है, ना के बराबर होती है, तो इसलिए भी इनके उत्पाद जो है सीमित क्षेत्रों में ही रह जाते हैं, और सीमित क्षेत्रों में रहने के कारण उनका उस अनुपात में लाभ नहीं मिल पाता है जिस तरह से लागत लगाई जाती है। तो ये कारण समझ में आ गए होंगे कि किन कारणों की वजह से जो हमारी परिक्रमण इकाइयां हैं उनकी अल्प स्वीकार्यता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला है लागत मूल्य, इनका लागत मूल्य ज्यादा होता है, किसान वहन नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि यदि मान लीजिए किसी ने बना भी दिया, किसी ने स्थापित भी कर दिया, तो पुरानी तकनीकें होती हैं, और पुरानी तकनीकों का कारण क्या है कि किसान के पास इतना धन नहीं है, इतना आर्थिक जो उससे लाभ नहीं कमाया है, तो इससे क्या होता है कि नई तकनीक वो खरीद नहीं सकता, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर नहीं सकता, और पुरानी तकनीकों से 10 से 15% नुकसान यहां भी हो जाता है। तीसरा क्या है कि कोल्ड चेन लिंकेज का अभाव है, जिसके कारण उत्पाद बाजार पहुंच नहीं पाते हैं, और यदि पहुंच नहीं पाते हैं तो उनको रखना पड़ेगा, आपको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज नहीं है, शीत गृह नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये उत्पाद आपको नुकसान होंगे, या तो आप इनको जल्द से जल्द आधे दामों पर बाजार में पहुंचाइए। दूसरा क्या है कि छोटी परिक्रमण जो इकाइयां होती हैं, ये वर्ष भर संचालित नहीं होती हैं, वर्ष के किसी एक निश्चित समय अंतराल पर ये संचालित होती हैं, जिसके कारण वर्ष भर ना चलने के कारण भी इनको उस अनुपात में मुनाफा नहीं हो पाता है, जिससे ये ज्यादातर पसंद नहीं की जाती हैं। इसके बाद आता है छोटी परिक्रमण इकाइयों के उत्पादों को बड़ा बाजार नहीं मिल पाता, और जब तक बाजार नहीं मिलेगा उत्पाद को, उसका उत्पादन अच्छा नहीं होगा, ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, तो लाभ उस अनुपात में कैसे मिलेगा, और लाभ नहीं मिलेगा तो कोई भी भाई घाटे में सौदा नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से ये सारी समस्याएं हमने देख लिया। अब हम आगे देखने वाले हैं कि यदि इन इकाइयों को सरकार सहायता उपलब्ध कराए, सरकार तकनीकी उपलब्ध कराए, बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए इन इकाइयों को, कि आप नई तकनीकों को जो है ला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या फायदा होगा। यदि इन इकाइयों को स्थापित किया जाता है सरकारी सहायता द्वारा, सरकार भी सहयोग करे और विभिन्न संस्थाएं भी सहयोग करें, तो क्या फायदा हो सकता है। ये जो गरीब किसान है इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से ये परिक्रमण इकाइयां सुधार कर सकती हैं, उसके बारे में यदि हम देखें, तो आपको पता है कि यदि ग्राम सभा स्तर पर भी ये परिक्रमण इकाइयां बनाई जाती हैं, तो क्या होगा, उस ग्राम सभा के लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब एक तो ये क्या कर रही हैं, रोजगार सृजन का कार्य कर रही हैं। दूसरा क्या कर रही हैं कि अगर गांव के पास ही है, लोकल में है, गांव के आसपास ही है, तो इससे क्या होगा, जो किसान होंगे वो भी जाके कुछ घंटे कुछ दिन तक कार्य कर सकते हैं, और एक अतिरिक्त आमदनी, कृषि के अलावा भी एक अतिरिक्त आमदनी
वहां से अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल किसान की स्थिति बहुत ही खराब है। दोगुनी मार पड़ती है, मौसम यदि खराब हुआ तो अलग से मार, फसल उत्पादन ज्यादा हुआ तो अलग से मार, तो किसानों के समक्ष तो समस्याएं बहुत सारी हैं। तो यदि इस तरह की इकाइयां ग्राम सभा स्तर पर स्थापित की जाती हैं तो इससे किसान को अतिरिक्त आय मिलेगा, और अगर अतिरिक्त आय मिलता है तो इससे किसान का जीवन स्तर बेहतर होगा। दूसरा क्या है, आप जानते हैं प्रचंड बेरोजगारी। आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। एक ही खेत में जहां पे एक व्यक्ति कार्य कर सकता है वहां पे चार चार व्यक्ति लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रचंड बेरोजगारी की जो समस्या है किसानों की ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको भी दूर किया जा सकता है। कैसे? जब नजदीक गांव में ही उनको रोजगार मिल जाएगा, वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको रोजगार जब गांव में ही मिल जाएगा तो इस तरह की प्रचंड बेरोजगारी जो है वह कम होगी। इसके बाद यदि हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण जो इकाइयां हैं, इनको प्रयास क्या करना चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण जो इकाइयां हैं इनको प्रयास करना चाहिए कि एक से ज्यादा फसल वाली हो। जब हम खाद्य प्रसंस्करण इकाई जो भी है, यदि मान लीजिए किसी एक फसल पर आधारित है कि इस फसल के उत्पाद से ही हम खाद्य प्रसंस्करण करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट चलाएंगे, तो ये ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, 2 से 3 महीने इकाई चलेगी। लेकिन यदि इकाई अच्छी चल रही है, यदि प्रसंस्करण इकाई किसी क्षेत्र विशेष में अच्छे से रन कर रही है, आधुनिक तकनीक से रन कर रही है, तो इस क्षेत्र विशेष के जो किसान होंगे, मान लीजिए यहाँ पे इकाई है, तो इस क्षेत्र विशेष के जो किसान होंगे वो क्या करेंगे कि अभी तक जो किसान एक से दो फसलों को ही उगाते थे, एक से दो फसलों को ही उगाते थे, यदि इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था होती है इस प्रोसेसिंग इकाई में कि 2 से 3 उत्पाद बनाए जा सकते हैं अलग अलग फसलों से, तो क्या करेगा किसान, किसान भी चाहेगा कि वो दो फसलों के अतिरिक्त भी कुछ फसल का उत्पादन करे। और जब किसान उत्पादन करेगा, एक तो वहां से उसको लाभ होगा क्योंकि वो फसल नगदी फसल होगी, सीधे प्रोसेसिंग यूनिट जो है, प्रोसेसिंग जो इकाई है, प्रक्रमण जो इकाई है वो खरीद लेगी। दूसरा फायदा क्या होगा, किसान स्वयं भी इसमें कुछ समय के लिए कार्य करता है, कुछ घंटों के लिए कार्य करता है, तो जब ये 12 महीने चलेंगी, वर्ष भर जब ये इकाइयां चलने लगेंगी, तो किसान 2 से अधिक फसलों को उगाएगा, नगदी फसलों को उगाएगा, तो यहां से फायदा होना है। दूसरा क्या फायदा होना है कि ये स्वयं इसमें काम करेगा तो वहां से भी कुछ आर्थिक लाभ इसको होगा। तो प्रसंस्करण इकाइयों, प्रक्रमण इकाइयों से क्या फायदे हैं वो मैंने आपको बताया, समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं इसमें सफल हो पाया हूं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, वो आपकी जिम्मेदारी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं यह भी आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके लिए मैं निःशुल्क आधे घंटे मेहनत कर रहा हूं आपके लिए वीडियो बनाने में, आधे घंटे कंटेंट इकट्ठा करने में, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। और आज के वीडियो में मैं लिंक लगा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो जो लोग आप में से जो लोग उत्तर लेखन करते हैं, कुछ लोग तो भेजते हैं हमें, जो नए लोग जुड़े हैं उत्तर लेखन करते हैं, तो वो उस लिंक के माध्यम से जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां पर अपने उत्तर को भेज सकते हैं। उससे जो भी कमियां होंगी वो आपको वहां पर बताई जाएंगी। तो इससे क्या होगा, यदि आपकी शाब्दिक त्रुटियां हैं, व्याकरण की त्रुटियां हैं, कंटेंट की कमी है, तो आपको पता चलता रहेगा। दूसरी बात क्या इसमें फायदा आपको है कि एक मॉडल आंसर कैसे लिखा जाता है, जब आप हमें भेजेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि आप में क्या कमियां हैं, क्या सुधार की जाने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं सफल हुआ हूं आपको बताने में, प्रयास तो अपनी तरफ से पूरा किया है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें। धन्यवाद।